हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि अभी हम जो लोग हैं वो कलियर शरीफ में, फाइनली यहाँ पर 2 बजे का टाइम हो चुका है। अब यहाँ से हम रवाना होने वाले हैं सीकरी शरीफ के लिए, क्योंकि बेसिकली हम जो घर से निकले थे वो जो है सीकरी शरीफ के कुल शरीफ में शिरकत फरमाने के लिए थी। बट यहाँ पर पहले जो हाजिरी देनी पड़ती है हमें साबिर पाक में देनी पड़ती है। अब यहाँ पर ये गाड़ी है और एक जस्ट बगल में हमारी ये गाड़ी है। सारे लोग जो है तैयार हैं बिल्कुल निकलने के लिए। ओवरव्यू आपको दिखाएंगे और सारी चीज़ें बताते चलेंगे कि हमें कहाँ कहाँ होकर सीकरी शरीफ जाना होता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो इजीली मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो ये सारे लोग हैं और अब हम गाड़ी की तरफ चलते हैं भाई, और निकलेंगे घर निकलेंगे सीकरी शरीफ की तरफ। सो गाइस, मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ कि हम मैप के थ्रू जो है कलियर शरीफ से सीकरी का सफ़र किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर मैंने मैप आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, और यहाँ से जो हमारे ब्लू लाइन बनती है तो ये जो लाइन है इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी छोटी कोई वाहन है तो आप इसके इस रास्ते के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। बेसिकली हमारे पास जो है बड़ी ट्रक थी, तो हमने जो है यहाँ से भगवानपुर तक का सफ़र पहला तय किया, उसके बाद में रोड की बाईपास से होते हुए एग्जैक्ट हम वहीं पर फिर से दोबारा मिल गए, और फिर उसके बाद सीधा हम जो है मतलब सीकरी शरीफ के लिए रवाना हो गए। और अब हम फिलहाल करंट लोकेशन हमारी जो है सीकरी शरीफ की है। इसी तरीके से आप भी आ सकते हैं, मैप पे लोकेशन डाल के सीकरी शरीफ आ सकते हैं और दरगाह में हाजिरी आप भी लगा सकते हैं। सो गाइस, 2.5 से 3 घंटे की मशक्कत करने के बाद फाइनली हम आ चुके हैं भैया सीकरी शरीफ। ऑब्वियसली यहाँ पर हमारी सारी गाड़ियाँ पार्क कर दी गई हैं, पीछे 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं और सारे जो लोग जो है गाड़ियों से उतर के नीचे की साइड आ रहे हैं। बेसिकली हम निकलने वाले हैं अब जो है दरगाह शरीफ की तरफ। अरे सो गाइस, मौलाना अब्दुल लतीफ़ साबरी बुलबुल दरगाह शरीफ की जो है मेन गेट पर हम आ चुके हैं और यहाँ से चलने वाले हैं मतलब दरगाह शरीफ की तरफ। फाइनली ये वो रास्ता है जाओ आप सीधा दरगाह की तरफ जाता है। बेसिकली एक तो गांव है, मगर जहाँ से पीरो मुर्शिद बस जाते हैं वो गांव भी एक आबाद गांव कहलाया जाता है। और इस रास्ते की जानिब हम दरगाह की तरफ चल रहे हैं। तो अभी देखें तो उर्स का प्रोग्राम काफ़ी ज़ोरों शोरों से यहाँ पर चल रहा है। बेसिकली यहाँ पर अभी थोड़ी भीड़ कम है, क्योंकि अभी जो है कुल शरीफ में टाइम काफ़ी है। यहाँ पर जो है कल से जो है भीड़ काफ़ी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है कुल शरीफ में शिरकत फरमाने के लिए आएंगे। यहाँ पर मेला वगैरह भी लगा हुआ है। सो गाइस, सारे लड़के जो है गाड़ियों से उतर के आ चुके हैं मेरे साथ साथ, क्योंकि यार कहने का मतलब है दरगाह की तरफ जाना है और दरगाह में एक बार हाजिरी लगानी है, उसके बाद बेसिकली हम कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये देखो काफ़ी सारे लड़के हैं और भी अब आ रहे हैं, क्योंकि अभी फीमेल्स भी हैं कुछ गाड़ियों में, क्योंकि यहाँ पर 3 गाड़ियाँ हमारे गांव से कंटिन्यू थी जो एक साथ जो है निकली थी। तो बेसिकली मैं यहाँ पर पिछला कैमरा सेलेक्ट कर लेता हूँ।
बेले में ये दुकानें वगैरह लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी जायरीन हजरात आते हैं वो कुछ अपनी ख़रीदारी करके ले जाते हैं, उसी को लेकर यहाँ पर दुकानें वगैरह लगाई जाती हैं और उसका अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम किया जाता है। सो गाइस, ये वो आस्थान है जिसके लिए लोग दूर दराज से जो है यहाँ पर आते हैं। फाइनली यहाँ पर मैंने टोटल ओवरऑल आपको दिखा दिया और सारी बातें बता दी किस तरीके से हमें जो है क्लियर से होते हुए सीकरी शरीफ आना है। अगर आप भी आना चाहें और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट आपको मिलते रहते हैं। अब फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ एक नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। फिलहाल चलता हूँ, ओके बाय, जय हिंद जय भारत।